बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 ने यह साबित कर दिया है कि एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अभिषेक अगर जिया से बात करे तो हैशटैग अभिया ट्रेंड करने लगता है। ठीक है। अभिषेक अगर मनीषा से बात करे तो हैशटैग अभिषा ट्रेंड करने लगता है। ठीक है, समझ गया। देखना, वह दिन दूर नहीं जब अभिषेक और पूजा को जोड़कर ट्विटर पर हैशटैग अभिजा ट्रेंड करने लगे। अबे यार, उस लड़के की भी सुन लो कि उसके दिल में क्या है। नहीं, हालांकि अभिषेक ने कितनी ही बार बोला है कि जिया उसकी फ्रेंड जैसी और मनीषा उसकी बहन जैसी है। वैसे एक बात बोलूं, ये बिग बॉस वालों को भी लेट पता चला कि असली टीआरपी कहाँ है। शो में सबसे पहले एक यूट्यूबर फुकरा इंसान की एंट्री होती है, जिससे शो में टीआरपी की बारिश हो जाती है। यही नहीं, अभी और सुनिए। फिर उन्हें समझ में आता है कि इस बारिश को थमने नहीं देना है, तो शो में एक और यूट्यूबर एलबीस यादव की एंट्री होती है, अभी मजा आएगा ना भिड़ो, जिससे शो की धीमी पड़ी टीआरपी शेयर मार्केट की तरह वापस तेजी पकड़ लेती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। शो में एंट्री करते ही एलबीस यादव ने सबसे पहले फुकरा इंसान को गले लगाया। इन दोनों की बॉन्डिंग को देखकर बिग बॉस वालों के छाती पर सांप लौटने लगा। क्या बोला तूने? इन दोनों की दोस्ती को तुड़वाने और आपस में कंट्रोवर्सी पैदा करने के लिए बिग बॉस वालों ने कई पैंतरे आजमाए, जैसे कृष्णा अभिषेक से ये बोलवाना। अभिषेक, आपका सिस्टम मुझे बहुत अच्छा लगता है यार। कोई भी यूट्यूबर आए, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आए, उसको दोस्त बनाओ और आहिस्ते आहिस्ते उसका गला काटो। हाँ भाई, इसका जवाब अभिषेक ने जिस तरह दिया वह सुन के दिल खुश हो गया। दोस्तों है ही अपना, गला क्या काटना, भाई अपना एंड तक साथ रहेंगे। ब्रो, ये यूट्यूब कम्युनिटी की दोस्ती है, इतनी आसानी से नहीं टूटेगा। झूठ बोल रहा है। मैं 6 हफ्ते से देख रहा हूँ ये जेड बॉडी दिखाने के चक्कर में निक्कर बनियान में ही घूम रहा है। इसको किसी लड़की में अपनी बेटी दिखाई देती है तो किसी लड़की में अपनी बहन, लेकिन जब इसे उस लड़की का एज पता चलता है तब इसे रियलाइज होता है कि इससे तो 1 साल छोटी इसकी गर्लफ्रेंड है। वैसे तुम लोगों ने इसका ये वाला कांड तो देखा ही होगा जिस पर सलमान खान ने इसको खूब पेला था। एक बात समझ में नहीं आती है, टुनटुन मौसी बेबी का हर बात में उंगली करना कब बंद करेगी? यह दूसरों को कुछ भी बोल सकती है, लेकिन जब इसको कोई कुछ बोल दे तो यह ऑफेंड हो जाती है। जनता माफ नहीं करेगी। बेबिका टेप रिकॉर्डर की वह चैनल है जिसको नहीं भी लगाओ तो भी ऑटोमेटिक पकड़ लेती है और फुल वॉल्यूम में बजती रहती है। ये जिया शो में इतनी कंफ्यूज है, शायद ही कोई होगा। इसको पीने का पानी मांगा जाता है तो यह साबुन की पानी ले आती है। उसमें साबुन हो क्या है, तुम क्या कर रहे हो? यू नेवर नो। अबे हमारे में पानी पिलाना धर्म का काम होता है, मजाक से हटके। अरे ऐसे कोई नहीं करता। तो इतना क्या हो गया यार उससे? नहीं मैं बता रहा हूँ, पानी पिलाना धर्म का काम होता है। अरे दीदी, उसको प्यास बुझाना है, बर्तन नहीं धोना। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं नहीं दीदी, वाह दीदी। दीदी दीदी, तुम्हें पता है शो में एंट्री करते ही एलबीस को सम्मानित किया गया, पता है क्यों? क्योंकि उसने एक दर्शक को वापस कंटेस्टेंट बना दिया। एलबीस को शॉल पहना के सम्मानित कीजिए प्लीज। धन्यवाद। आइए एलबीस। आपको पता है अविनाश, हमने एलबीस को क्यों सम्मानित किया? नहीं सर, भाई अविनाश, फुटेज मिलने का ये मतलब नहीं होता है कि तुम सबसे लड़ते रहो। अच्छा एक बार बताओ, शो में ज्ञान की देवी कौन है? जी हाँ, पूजा भट्ट। पूजा भट्ट के पास इतना अनुभव है कि तुम्हें वह हर टॉपिक पे लेक्चर दे सकती है। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनका फेवरेट स्टूडेंट बेबिका है। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे। अब फुटे की दीवानी मनीषा रानी के बारे में क्या ही बोला जाए, सभी घर वालों को लगता है कि यह नकाब की दुकान चलाती है। अब पता नहीं इनके दुकान से नकाब कौन खरीदा है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। लेकिन एक बात तो पक्की है, अभिषेक एलबीस और मनीषा के दोस्ती में कोई नकाब नहीं है। फुकरा इंसान अपने लिए और अपने दोस्तों के लिए हमेशा स्टैंड लेता है, इसीलिए वह मेरा फेवरेट कंटेस्टेंट है। अब तुम्हारा फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है और किसको बिग बॉस जीतना चाहिए, यह तक कमेंट करके ही बताओगे।